हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत एंड मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ के बारे में। जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि पूरा ऑन पेज एसईओ होता क्या है, अब मैं बता रहा हूँ कि आप ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। क्योंकि ऑन पेज आपका ऑन पेज कंप्लीट होने के बाद ऑफ पेज पे आते हैं। जब तक आपका ऑन पेज कंप्लीट नहीं है, अगर ऑफ पेज आप सीखेंगे, ऑफ पेज करेंगे, तो वो वेस्ट है, बिल्कुल 200% वेस्ट मैं कहता हूँ। बल्कि क्योंकि पहले आपका ऑन पेज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ऑन पेज वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज इसके पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ऑफ पेज क्या होता है कि इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग करेंगे आप, लिंक बिल्डिंग इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरीज सर्च इंजन लिंक एक्सचेंज करके। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, होता क्या है ऑफ पेज एसईओ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ ए वेबसाइट इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसको कहते हैं SERP। तो एक ये पूरा प्रोसेस है। जैसे आपकी एक वेबसाइट है तो आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो आपको गूगल पे आने के लिए। जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपकी वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट कैसे गूगल पे फर्स्ट पेज पे आए, वो सारा काम होता है ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है? आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको आर्टिकल सबमिशन करना है, आपको सोशल बुक मार्किंग करनी है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। तो मेनी पीपल एसोसिएट ऑफ पेज एसईओ विथ लिंक बिल्डिंग। अभी यहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना एसईओ क्या है कि सिर्फ लिंक बिल्डिंग है और कॉपी पेस्ट काम है, लेकिन नहीं भाई, एसईओ ऐसा नहीं है, ऑफ पेज ऐसा ऑन पेज नहीं है। एसईओ में मैं बताता हूँ आपको क्या है, जितना मैं 5 साल में सीखा हूँ, एसईओ जितना आप सोच सकते हैं ना, जितनी आप अपनी सोच को दूर ले जा सकते हैं, उतनी दूर आप एसईओ को ले जा सकते हैं, इतना बड़ा है एसईओ। तो एसईओ लिमिटेड नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है भाई, जितना दिमाग लगाओगे एसईओ को वहां तक ले जा सकते हो। इट इज नॉट ओनली दैट, इन जर्नल ऑफ पेज एसईओ हैज टू डू विथ प्रमोशन मेथड बियॉन्ड वेबसाइट डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग वेबसाइट हायर इन सर्च रिजल्ट। सिर्फ लिंक बिल्डिंग करने से आप, मैं बताता हूँ, आपकी वेबसाइट रैंकिंग पे नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें हैं, आप लाइक डिजाइनिंग कैसी है आपकी वेबसाइट की, आप कंटेंट क्या यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए कुछ मैंने लिख रखा है कि ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ पे आप अपने जो भी हैं पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग तो लाइक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई पैसा कमाना चाहते हैं। ब्लॉग मार्केटिंग होती है, जैसे आपका कोई ब्लॉग है उसे और भी शेयर कर सकते हो ब्लॉगर पे, वीबली पे, लाइव जर्नल पे, ठीक है? फोरम पोस्टिंग होती है वो कर सकते हो। सर्च इंजन सबमिशन, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि डायरेक्टरीज को कैसे सबमिट करोगे। जैसे सपोज आपकी कोई अभी नई वेबसाइट आई और आप चाहते हो कि लाइक एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि आप पहले कहीं और रहते थे, दिल्ली रहते थे, अब आपने सोचा कि मैं नोएडा रहना चाहता हूँ, अब ठीक है, तो आप नोएडा में आपने घर लिया, आप गए और आप एक दिन रहे वहाँ, 2 दिन रहे, तो क्या आपको जितने गली वाले लोग हैं 1-2 दिन में जान जाएंगे? नहीं जानेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गृह प्रवेश करना पड़ेगा। गृह प्रवेश करवाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा मोटा पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, जिसमें आप, डिपेंड करता है कि कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग 400-500 लोग बुलाते हैं, कई लोग 50 लोग बुलाते हैं। तो जैसे ही आप ये चीज़ करवाते हो, नए घर लेते हो और ये करवाते हो, तो बुलाते हो अपने घर, तो उन 500 लोगों को पता चल जाता है कि हाँ आपने एक नोएडा में नया घर लिया है, तो उनको पता चल जाता है। यानी एक दिन में 500 रिश्तेदारों को पता चल गया कि हाँ फलाने आदमी ने यहाँ पे नया घर लिया। अगर नहीं करवाते तो नहीं पता चलता, फोन करके बताते या धीरे धीरे पता चल जाता। वैसे यहाँ पे सर्च इंजन है, सर्च इंजन सबमिशन। सर्च इंजन क्या है, जैसे याहू, गूगल, बिंग और भी बहुत सारी सर्च इंजन साइट्स हैं, वहाँ पे अपनी साइट को आप सबमिशन कर सकते हो। सबमिशन लाइक वो भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पे मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि कैसे सर्च इंजन सबमिशन करते हैं। एक टूल भी आता है, एक साथ भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं,
ये भी जान सकते हैं आप कैसे करते हैं। तो सर्च इंजन पे आप जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं, जिससे ये बता सकते हैं कि हाँ ये मेरी वेबसाइट अब ये आई है। तो जितने भी सर्च इंजन होंगे उनको पता चल जाएगा कि इस बिजनेस से रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड एक नई वीडियोज आई हैं। तो जब भी कोई सर्च करेगा तो वो क्या करेंगी, जितनी भी सर्च इंजन है, अगर आपने नहीं देखा मेरा वो वाला वीडियो कि हाउ वर्क सर्च इंजन, तो वाली वीडियो देखेंगे तो ये जो मेरा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि ये वाली वेबसाइट नहीं है। तो समवन जब अगेन कोई सर्च करेगा तो ये जो सर्च इंजन है लाइक याहू, बिंग, गूगल और भी हैं, लाइक बेदू है और भी हैं, डीमोज हैं, तो जब भी कोई सर्च करेगा तो आपकी साइट रैंक करेगी। डायरेक्टरी सबमिशन होता है यहाँ पे, बैकलिंक के लिए होता है। सपोज करिए कि आपने 500 लोगों को बुलाया और 500 लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, वो बैकलिंक तो बन गए आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको गली में रहते हुए एक महीना, दो महीना, चार महीना हो गया, सारे गली के लोग जान गए एक एक करके, तो एक तो होगा कि आपने घर उनको बुला के बताया, और एक होता है कि धीरे धीरे लोगों को पता चल ही गया। वैसे ही डायरेक्टरी सबमिशन की साइट्स होती हैं जिनके ऊपर आप वेबसाइट को सबमिट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, जिससे क्या मिलता है, बैकलिंक। बैकलिंक जिससे मिलेगा उससे और जो गूगल का जो सर्च इंजन है वो आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग होता है। अब कई लोगों को मैं सुनता हूँ सोशल बुक मार्किंग, बुक मार्क का मतलब सिर्फ ये जानते हैं कि वेबसाइट पे जो ब्राउजर है वहां पे बुक मार्क कर लिया। नहीं भाई, सोशल बुक मार्किंग का मतलब ये है, जैसे गूगल का बुक मार्क है, डिलीशियस है, डिग है, फोर्ड है, पर्ल है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट की टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल सबमिट करते हो। लिंक बैटिंग होती है, फोटो शेयरिंग होती है। फोटो शेयरिंग क्या होती है, जैसे पिकासा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, वहां पे अगर आप कुछ बना के अपनी मार्केटिंग से रिलेटेड आप पोस्ट करते हो। देख रहे होंगे कि आजकल फेसबुक पे हर चीज वायरल हो जाती है, तो आप वायरल कर सकते हैं अपना बिजनेस। वीडियो मार्केटिंग, यूट्यूब पे आप लाइक कुछ भी डाल दो, अगर आप ब्लैंक वीडियो डाल दो सिर्फ टाइटल डाल के ना, अगर एक साल बाद देखो तो तब भी 10,000 व्यूज आ गए होंगे उस पर, तो यूट्यूब इतना फेमस है। तो आप ये सोचिए कि अच्छा कंटेंट डालेंगे तो आप पे कितना व्यूज आएगा। बिजनेस रिव्यूज, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, ये मैं कहता हूँ ये बिजनेस ऐप भी देखिए कि अगर आजकल कोई ऐप डाउनलोड करता है वो भी एक बार रिव्यूज देख लेता है, तो अगर आप बिजनेस में रिव्यूज भी बढ़ाइए। लोकल लिस्टिंग क्या होती है, जैसे आपका लोकल लिस्टिंग वेबसाइट है, सपोज अभी आप मुझे गूगल पे सर्च करेंगे रंजीत SEO एक्सपर्ट गूगल पे, तो आपको मेरा फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या है, लोकल लिस्टिंग आपकी कैसी है वो पता चल जाता है, आपने कितनी लोकल लिस्टिंग कर रखी है, जैसे गूगल प्लस पे हो गया और भी हैं साइट्स, वो मैं आपको बता दूंगा। पर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, आने वाले ट्यूटोरियल में इन सब पे कम से कम 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको एक एक पे मिलेगी। तो ये सोचिए कि अगर आप इस चैनल पे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में SEO, SEMO, PPC, ईमेल मार्केटिंग, ऐप से रिलेटेड सब कुछ आपको इस पे मिलेगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ओके, तो आर्टिकल सबमिशन है, जैसे लाइक सेल्फ ग्रोथ हो गया, सुपर आर्टिकल हो गया, इजीन हो गया, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, फ्री आर्टिकल्स की साइट्स हैं। ठीक है, सोशल शॉपिंग नेटवर्क है, क्वेश्चन आंसर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑफ पेज SEO होता क्या, अब मैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो होगा कि SEO टैक्टिक्स एंड मेथड, जो SEO की टेक्निक्स है वो क्या है, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहें, सीखते रहें डिजिटल मार्केटिंग विद SEO, विद रंजीत SEO एक्सपर्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच।